अरे शाबाश, ये है भाई बढ़िया। इसे कहते हैं पर्दा बिरयानी। ये पर्दे के अंदर भी छुपी हुई है। अभी ये पर्दा खुलेगा तो आप देखना बिरयानी फुल ऑफ फ्लेवर्स। क्या बात है, शाबाश। तो ये एक्चुअली क्या है, देखो इसके अंदर कीमा स्टफ रहा, तो देसी घी डाल के इसको हल्का हल्का रोस्ट किया ना, तो उसकी वजह से जो फ्लेवर्स है वो बहुत बढ़िया फ्लेवर है। ये देखो, ओहो, ये बन रही है हमारी पर्दा बिरयानी। जी हाँ, अरे पर्दा बिरयानी बनती कैसे है पहले आप वो देखो कि ये पर्दा तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले इसके लिए देखो, ये इस पैन में लगा दिया है और अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इसके अंदर बिरयानी को स्टफ किया जाएगा और बिरयानी की लेयरिंग लगाई जाएगी। वो लेयरिंग कैसे लगती है वो देखो। तो ये राइस आ गए हैं, अब इस राइस का लेयरिंग किया जा रहा है। ये देखो, ओ एकदम चावल का दाना दाना एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग। मटन कीमा पैन में पकाया हुआ बढ़िया से, ये मटन कीमा की लेयरिंग होगी। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम फ्रेश। हर एक चीज एकदम फ्रेश बनती है। और इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं नहीं देख रहा, ये बड़ी थाली, ये इस थाली के अंदर ही देते हैं हर एक चीज। ये इनके पास ये थाली नहीं है, ये हर एक चीज को इस थाली के अंदर लगा के देते हैं। परफेक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या होगा। अब इसके अंदर दोबारा से लेयरिंग लगेगी, राइस की दोबारा लेयर। ये आ गया, वाह, ये एक और लेयर लग गई ऊपर। और अब इस पर्दे को पूरा बंद कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा। ये देखो, ये आ गया बरिस्ता, फ्राइड अनियंस, हरा धनिया, पुदीना के पत्ते। और आप इसको चेक करिएगा, ये देखो, ये थोड़ा सा ऑयल लिया है, देसी घी है। ओहो, क्या बात है भाई। अब इसको रैप अप किया जाएगा। और ये इसी में पकेगा या तंदूर में पकेगा? इसी पैन में पकेगा। ये देखो भाई, ये इसको इसकी पोटली बना के ना पूरा पैक किया जा रहा है। इसकी पोटली बना दी है, डाल। ये देखो भाई, ये हल्का हल्का इस पर घी डाला जा रहा है और इसको पकाया जा रहा है इसके ऊपर। एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इसके, देखो अंदर जो चीज़ें वो सब पकी हुई है, बाहर की जो रोटी है वो पकानी है, जिसकी वजह से अंदर जो फ्लेवर्स है, हाँ अंदर जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना घी, वो बढ़िया एकदम पकड़ लेगा। ये देखो, ये नीचे से चिपक ना जाए इसीलिए इसको थोड़ा सा रोटेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, उसको पलटेंगे। ये देख रहे हो, ऊपर से नीचे की साइड से थोड़ा सा पक गया है रोटी। अब ये नीचे की तरफ से वैसे पकाया जाएगा, थोड़ा सा घी डाल के। कॉन्सेप्ट इज वेरी नाइस, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि वाओ बहुत मजा आ गया, बट ये यहाँ कुछ नया है जो आपको सिर्फ डाइन हिल के अंदर, डाइन हिल में ही मिलेगा। तो भाई दोबारा से पलट दिया इन्होंने, तो तीन चार बार करते ऐसे है ना, तीन चार बार करते ऐसे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। देखो, अरे शाबाश, ये है भाई बढ़िया। इसे कहते हैं पर्दा बिरयानी। ये पर्दे के अंदर भी छुपी हुई है, अभी ये पर्दा खुलेगा तो आप देखना बिरयानी फुल ऑफ फ्लेवर्स। अब इसकी कटिंग होगी, वो कटिंग भी काफी स्पेशल है। ये देखो, ओए होए, पर्दा बिरयानी, इसका पर्दा उठने जा रहा है। नाउ लुक एट दिस गाइस, क्या बात है, शाबाश। तो ये एक्चुअली क्या है, देखो इसके अंदर कीमा स्टफ रहा, तो देसी घी डाल के इसको हल्का हल्का रोस्ट किया ना, तो उसकी वजह से जो फ्लेवर्स है वो बहुत बढ़िया फ्लेवर है। ये देखो, ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है भाई। हैदराबाद आके अगर बिरयानी नहीं खाए तो फिर हैदराबाद ही मत आओ। सीरियसली अमेजिंग, वेरी नाइस। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। तो भाई साहब, हमारी पर्दा बिरयानी आ चुकी है। और ये देखो, ये इसका पर्दा, इसको खाने का सही तरीका यह है कि रोटी के साथ पहले इसका कीमा खाया मैंने।
और फिर करेंगे इसका राइस टेस्ट। बहुत बढ़िया फ्लेवर्स आ रहे हैं, देसी घी का, कीमे का, मतलब ज़ाफ़रानी राइस, ये सब मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, हैदराबादी फ्लेवर्स, इट्स रियली अमेजिंग। आप कभी भी यहाँ पे आए ना तो डाइन हिल जो कि हैदराबाद में है, मस्त ट्राई है। अगर आपने ये नहीं खाना है वाकई में, फिर आपने कुछ नहीं खाया, सीरियसली इट्स अमेजिंग।